किसानों के सामने अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह रवी की फसलों को इन छुट्टा गौवंश से कैसे बचाएं। किसानों के द्वारा तमाम इंतजाम किए गए लेकिन कोई भी कारगर साबित नहीं हो रहा और किसान प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहा है। गेहूं की फसल हो या फिर आलू की या फिर सरसों की, सभी फसलों को आवारा गौवंश उजाड़ कर रख देते हैं। किसान फसल को बचाने के लिए खेतों की तारबंदी कर रहे हैं, वहीं प्लास्टिक की जेवरी बांध रहे हैं जिनके रेट भी बाजार में दूने हो चुके हैं। फिर भी कहीं न कहीं से इंतजाम कर किसान फसलों को बचाने के उपायों में जुटे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आवारा जानवर उनकी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, जिससे अन्नदाताओं को फसल बचाने की चिंता सता रही है। राया के गांव चिमला निवासी किसान रघुनाथ प्रसाद कहते हैं कि हालात बेहद खराब हैं। फसल को बचाने का कोई भी उपाय काम नहीं आ रहा, ऊपर से कटीले तार और जेवरी के रेट बढ़ चुके हैं। क्या नाम है आपका? बताओ क्या स्थिति है फसल की? नष्ट है ये फसल, पहले जेवरी बांध रही फिर तार बांधे, उनके ना रात भर जगते हैं, परेशान ज्यादा है। तो क्या क्या कीमत की आती है जेवरी और तार? जेवरी और ये सब महंगी है, पहले 60-50 रुपए किलो या 80 रुपए किलो है गई, और तार भी महंगे है गई, लकड़ी महंगी है गई, बहुत महंगा ही है गई है। जब कहाँ तक किसान इंतजाम करे, अगर पूरी रात जगते हैं रखाते हैं तब भी मतलब फसल को नष्ट करें, फिर भी नहीं रुक पा रहे हैं इनसे। रुकना पा रहे, प्रशासन को ध्यान ना दे रहे। जो आपके इंतजाम है उनसे रुकावट नहीं हो रही है? नहीं हो रही है। तो इंतजाम बेकार है सभी? सब बेकार है, तार महंगे है गए, हमको दाम में कहाँ से, तार तो बहुत महंगे है गए, लकड़ी महंगी है गई, जेवरी महंगी है गई, सब महंगी है।